नमस्कार, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। एक देश एक कानून, जी हां, अगर यह व्यवस्था देश भर में लागू होती है क्या इसके परिणाम रहेंगे, इसका फायदा कितना देश को मिलेगा, इसके विपरीत में अगर देखा जाए तो विपक्ष इसमें क्या कुछ कमियां निकाल रहा है, ये तमाम सारी बातें हैं। आज बिग बुलेटिन में इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तमाम राजनीतिक मेहमानों से भी कि आखिर एक देश एक कानून का ये मुद्दा क्या वाकई में सफल हो पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की सबसे पहल और महत्वाकांक्षी ये बात एक देश एक कानून। चर्चा की शुरुआत करेंगे। जी हां, तो प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी भाजपा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने और अपने मिशन आम राय बनाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा के लिए 19 जून को सभी पार्टियों के अध्यक्षों को बुलाया है। उन्होंने एक बैठक बुलाई है। देश में एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस बार बीजेपी खुद मामले को लेकर संजीदा नजर आ रही है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला, या फिर कहा जाए कि विपक्ष का उतना साथ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। खैर, अब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, लिहाजा अब की बार शुरुआत से ही इस मुद्दे पर बीजेपी सभी दलों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कोशिशों में जुट गई है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को आगे बढ़ाने और इसमें विपक्ष समेत सभी पक्षों को शामिल करने के लिए बैठक बुलाई है। इस मुद्दे पर सभी दलों के अध्यक्षों के साथ 19 जून को चर्चा होगी। एक देश एक चुनाव के मुद्दे को भाजपा पहले से ही जोर शोर से उठाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार सार्वजनिक मंचों से इस मुद्दे को उठा चुके हैं। वहीं विपक्ष पहले इस मुद्दे पर इसे राजनीतिक चाल बता चुका है और अब कह रहा है कि किसी एक दल के सोचने से ऐसा संभव नहीं है। लोगों को इस पर शुबा है कि वन नेशन नहीं है, उन्हें अपना सुधार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सब हो सकता है इस तरीके से जो वन नेशन बोल रहा है प्रधानमंत्री, ये तो जब सब लोग तय करेंगे तब की बात है, संभावना पर कोई बात तय नहीं होती। अब तक कैसे हुए चुनाव? 1952 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए। साल 1957, 1962 और 1967 में भी एक साथ ही चुनाव हुए। क्षेत्रीय दलों से राज्यों को मध्य अवधि चुनाव में उतरना पड़ा। 1980, 1991, 1998, 1999 में लोकसभा पहले ही भंग कर दी गई। 1971 और 1984 में भी कांग्रेस ने लोकसभा को एक साल पहले ही भंग कर दी। 1999 में विधि आयोग ने भी 5 साल में एक साथ चुनाव कराने की सलाह दी। तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला लागू होगा कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि राष्ट्रपति भी इसकी जरूरत महसूस कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी हाँ, तो एक देश एक चुनाव, सीधा रुक करेंगे पैनल का। हमारे लखनऊ स्टूडियो में पैनल में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत गौतम राणे सागर जी, आप ही से करूंगा। आपकी नजर में एक देश एक चुनाव का मुद्दा, आपकी पार्टी का क्या कुछ मत हो सकता है इस पर? सुनील जी, हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है और वही मत है जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे देश का संविधान कहता है। हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है संघीय ढांचा, और संघीय ढांचा में राज्य के अपने अपने अधिकार हैं, राज्य के अपनी अपनी भाषाएं हैं, राज्य के अपने अपने संस्कृति हैं, राज्य के अपने अपने रिवाज हैं, और उन रिवाजों के आधार पे सबको पूरी तरह से स्वतंत्रता है वो निर्णय लेने का है। इसलिए अगर ये एक देश और एक चुनाव कहा जाए
तो निश्चित तौर पे एक देश और एक चुनाव ये संघीय ढांचे को पूरी तरह से कमजोर करता है। ये किसी भी कीमत पर संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के प्रतिकूल है। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, अगर ये ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। और संविधान के अनुसार जो लोकतंत्र का पैमाना है, उस पैमाने से हम किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जितनी ताकत है ठीक उसका विरोध करेंगे। ठीक श्रीवास्तव जी, गौतम जी को तो खतरा दिख रहा है, कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, फिर आपको यहाँ उम्मीद कैसे दिख रही है एक विकसित भारत की? देखिए, जो लोग संविधान को जानते हैं और जो लोग संवैधानिक व्यवस्था को समझते हैं जी, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि इससे संविधान को कोई खतरा है, संघीय ढांचे को कोई खतरा है। कितने चुनाव दोनों एक साथ हुए, 52 हुआ 57 हुआ 62 हुआ 67 हुआ, तो कौन सा देश को खतरा हो गया, कौन सा लोकतंत्र को खतरा हो गया? या जिन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन है, दुनिया के तमाम देशों में वन नेशन एंड वन इलेक्शन है, बिल्कुल, यहाँ तक कि निकाय चुनाव भी उसी के साथ होते हैं, तो क्या वहाँ कोई प्रजातंत्र चला गया? वहाँ संविधान नहीं काम कर रहा, वहाँ संघीय ढांचा नहीं काम कर रहा? इस तरह के जो जिस तरह की ये चिंताएं हैं, ये हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक है और इसका कोई आधार नहीं है। आप देखिए कि जो आज का चुनाव है, अगर सरकारी खर्च को आप ले तो 72 रुपया प्रति व्यक्ति इस पे, प्रति वोटर इस पे खर्चा सरकार का आया, और 90 करोड़ वोटर हैं इस देश में, तो करीब ये 6500 समथिंग करोड़ के आसपास ये खर्चा आता है। और आप विधानसभाओं के चुनाव को देखिए, छोटे राज्यों में 200 करोड़ रुपया और जो बड़े राज्य हैं, मध्यम राज्य हैं, मतलब 500 करोड़ रुपए तक के खर्चे विधानसभा के चुनाव में आते हैं। जो मानव दिवस का नुकसान होता है, जो सुरक्षा एजेंसियां लगाई जाती हैं, बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं कि अगर आप उन सबको देखें तो देश के जो विकास की गति है वो अवरुद्ध होती है, क्योंकि 2-3 महीना आचार संहिता में कोई निर्णय नहीं हो पाता, विकास का कार्य ठप रहता है। और आप देखिए तो रोटेशन में चुनाव ही चलता रहता है जी। तो एक जो समन्वित विकास है उसकी गति प्रभावित होती है, और ये तो मैंने खर्च के सरकारी आंकड़े बताए। ठीक, अगर जो ना आंकड़े फिर ज्यादा हो जाएंगे, आंकड़े ज्यादा श्रीवास्तव जी, आंकड़े ज्यादा हो जाएंगे फिर। बाबा हरदेव जी से मैं सवाल लूंगा। बाबा हरदेव जी, आपकी दृष्टि क्या कहती है एक देश एक चुनाव के लिए? और जो श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था हो तो 5 साल तो कम से कम विकास के लिए लगे, एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। देखिए सुनील जी, इसको दो बिंदुओं पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे जी। एक पहला है कि इसकी मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। दूसरा, व्यवहारिकता और अव्यवहारिकता को भी देखना पड़ेगा जी। मेरिट्स ये है कि एक साथ चुनाव होने पर खर्च कम होगा, ये सही है। और जब खर्च कम होगा तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था जो हमारी अलग अलग चुनाव कराने में अधिक उसका उपयोग किया जाता है, उस पर भी भार कम होगा, ये तो मेरिट्स हैं जी। अब समस्या ये है दूसरी कि जब लोकसभा का चुनाव तो एक साथ होगा, विधानसभाओं का चुनाव अलग होता है, तो एक प्रदेश लोकसभा में जितना समय लगाता है चुनाव कराने में, उसके बाद अपनी विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें फिर से उतना ही समय उसको लगाना पड़ेगा, उतने दिनों तक कार्य डिस्टर्ब रहेगा। डिस्टर्ब क्या, एकदम रुक सा जाता है जी। तो ये मेरिट्स हैं इसके, एक साथ अगर होता है तो मेरिट्स हैं, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। डिमेरिट्स क्या होगा, लोकसभा मान लीजिए बीच में भंग हो गई, ऐसी स्थिति आ गई कि लोकसभा बीच में भंग हो गई, तब लोकसभा के चुनाव के साथ क्या सारे विधानसभाओं को भंग करके चुनाव कराया जाएगा? अगर वैसी व्यवस्था होनी है तो क्या आप संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करिए उस तरह की व्यवस्था, तब भी दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं,
गाड़ी से जा रहे हैं और एक पहिया पंक्चर हो गई, तो पंक्चर आप स्टेपनी लगाएंगे, पहिया निकाल के पंक्चर पहिया निकाल के स्टेपनी लगाते हैं, लेकिन वो जो पंक्चर पहिया है, जैसे कहीं कोई दुकान मिलेगी पंक्चर बनाने वाली, वो तुरंत आप उसको ठीक कराते हैं। तो क्या वो जो स्टेपनी है उसको इतना लंबा आप खींचने के लिए तैयार हैं? और अगर इतना लंबा खींचेगा तो हमारा लोकतंत्रीय ढांचा जो है, क्या वो राष्ट्रपति शासन जो प्रणाली है, क्या वो एक व्यक्ति में केंद्रित होगी? और लोकतंत्र का जो स्वरूप हमारा बना हुआ है उस पर क्या क्षति नहीं पहुंचेगी? व्यवहार माने ये एक चिंतन का विषय है। दूसरा ये है कि क्या व्यवहारिक है, क्या अव्यवहारिक है? जी, व्यवहारिक आप जब देखेंगे तो ये होगा कि निश्चित ही एक साथ अगर चुनाव होता है तो व्यवहारिक है, लेकिन यही अब व्यवहारिक हो जाएगा जब विधानसभाएं भंग होंगी। मान लीजिए 2 साल के अंदर भंग हो गई। कई पहलू आपने उठाए और बड़े अच्छे बिंदु उठाए आपने, ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी, प्रमोद गोस्वामी जी, आपका नजरिया क्या कहता है, एक देश एक चुनाव? नहीं सुनील जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी जो बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये कुछ मेरिट और डिसमेरिट, हर चीज के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बिल्कुल वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात अपनी जगह तकनीकी आधार पर और व्यवहारिक आधार पर बिल्कुल हरदेव सिंह जी ने सही कहा है कि अगर, और यही स्थिति हुई, अगर आप देखें 60 के दशक तक एक ही साथ चुनाव होते रहे, लेकिन जब वहां कांग्रेस रिजीम में जब राष्ट्रपति शासन लगा के जब सरकारों को बर्खास्त किया गया और राष्ट्रपति शासन लगाए गए, तब ये अव्यवस्था हुई और उसके साथ फिर विधानसभा के चुनाव अलग होने लगे और लोकसभा के चुनाव अलग होने लगे। लेकिन इस देश के विकास, सम्यक विकास के लिए जो कहा सिंह साहब ने कहा वो अपनी जगह सही है कि उसके सम्यक विकास के लिए आर्थिक खर्चे थोड़ा बहुत वर्डन नहीं, काफी बड़ा वर्डन होता है। ऐसी स्थिति में व्यवहारिक पक्ष तो यही है के लोकसभा के और इनके साथ साथ होने चाहिए, लेकिन ये बात भी उतनी ही कड़वी है और सच है कि अगर विधानसभा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कोई 2 या 4 देश की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लग गया, तो ऐसी स्थिति में उसके क्या प्राविधान होंगे? क्या वो 3 साल तक कंटिन्यू करेंगी या वो राष्ट्रपति शासन फिर नहीं लगेगा? तो इन चीजों पर सरकार को और विपक्ष को जो 19 तारीख को बुलाई गई है, इन सारे पहलुओं पर विचार होगी। लेकिन जहां तक मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन वो कहीं भी संवैधानिक वादता नहीं, जो गौतम जी कह रहे हैं, मैं गौतम जी की बात से सहमत नहीं हूं कि उसमें कोई संवैधानिक कल्चर नहीं है, कोई ऐसा। इसीलिए इसीलिए सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा है कि सभी आइए, उसमें चर्चा होगी, सभी अगर सहमत होंगे तब चीजें आगे बढ़ेंगी। नहीं नहीं, तभी बढ़ भी सकता है, और संविधान में जहां संशोधन की जरूरत है तो वो संशोधन कर लिए जाए, बिल्कुल। लेकिन इस देश के विकास के लिए उसके लिए ये जरूरी है, उसमें संशोधन, कोई जितने संशोधन हुए उसमें ये भी संशोधन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। सर्वेश जी, श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा है, अगर ऐसा होता है तो तमाम सारी अव्यवस्थाओं को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, पूरा समय हम विकास में लगा सकते हैं। गौतम जी कह रहे हैं कि ना, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, ये तो खतरा है। बाकी सभी को सुना आपने, आपकी प्रतिक्रिया? सुनील, हरीशचंद श्रीवास्तव जी ने जी जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, सही है कि इससे वन नेशन वन इलेक्शन से देश के संघीय ढांचे को कोई खतरा नहीं है जी। और इसके पहले भी एक साथ चुनाव हुए हैं, 1952 में हुए, 1957 में हुए, 1962 में हुए, 1967 में हुए, और ये जो एक साथ राज्यों के और केंद्र के चुनाव का जो सिस्टम चल रहा था, इसको कांग्रेस ने ब्रेक किया 1968 और 1969 में जी, जब उन्होंने राज्य की विधानसभाओं को अपनी मनमर्जी से भंग करना शुरू कर दिया। समय से पहले विधानसभाओं के कार्यकाल पूरे होने से पहले कई विधानसभाएं भंग की गई। तो जो 68 और 69 का और 70 का जो ये पीरियड था उसमें ये क्रम बिगड़ गया, नहीं तो देश में तो वन नेशन वन इलेक्शन था ही पहले से जी। और उसके बाद जब क्रम बिगड़ा तो फिर से ये विचार पैदा हुआ कि एक देश एक चुनाव का कोई सिस्टम ऐसा हो जिससे देश में धन की बचत हो, समय की बचत हो और कार्य क्षमता की बचत हो, लोग दूसरे कामों में लगाएं, धन का उपयोग देश के विकास में हो। तो ये विचार कोई नया नहीं है। 1999 में जी जब संविधान समीक्षा आयोग बना
तो संविधान समीक्षा आयोग ने जो सुझाव दिए थे उसमें एक सुझाव ये भी था कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। और इसके बाद विधि आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने, सभी ने इस पर सम्यक विचार किया। अभी पिछले वर्ष अक्टूबर 2018 में विधि आयोग ने 3 दिन की एक कार्यशाला की, संगोष्ठी की इस पर जी। और उस संगोष्ठी में भी ये विचार निकल कर आया कि ये अच्छा सुझाव है, लेकिन इस पर सम्यक विचार की जरूरत है। अभी प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सभी दलों के अध्यक्षों को बुलाया है, उसमें जो इसकी मेरिट और डिमेरिट है, बाबा हरदेव सिंह जी का बड़ा लंबा प्रशासनिक अनुभव है, उन्होंने इस बड़ा सही ढंग से उसको रखा है। और जो डिमेरिट्स है, ये बात सही है कि अगर कभी बीच में लोकसभा भंग हो जाए तब क्या होगा, तो क्या विधानसभाएं भंग की जाएंगी, या कोई विधानसभा ही कार्यकाल पूरा ना कर पाए, भंग करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका भी समाधान निकाला जा सकता है। जब हमारे देश में एक टैक्स जीएसटी लागू हो सकता है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि देश में एक साथ चुनाव हो जाए। बहुत इसकी आवश्यकता भी है आज के समय में, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा देश जो है वो चुनावी मोड में ही रहता है, कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, किसी राज्य में कभी कहीं किसी तरह का। और इस पर तो बाबा जी और अच्छा बताएंगे, क्या इसमें जो निकाय के चुनाव हैं और जो पंचायतों के चुनाव हैं, क्या उसको भी शामिल किया जा सकता है? आपने तो देखा होगा, प्रशासनिक पदों पर आप रहे हैं, विभिन्न पदों पर आप रहे हैं लंबे समय तक, तो क्या ये भी संभव है कि पंचायत चुनावों को भी जोड़ दिया जाए, निकाय चुनावों को भी इसके साथ जोड़ दिया जाए? तो इस पर बाबा जी अच्छा और बिल्कुल हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। बिल्कुल, मैं जाऊंगा और ये सवाल भी पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल गौतम जी से है। गौतम जी, बाकी मेहमानों को भी सुना आपने, आपने बता दिया कि खतरा है लोकतंत्र के लिए, पहले भी हुआ 52, 57, 62, 67 कई मरतबा ऐसा, जब इलेक्शन की शुरुआत हुई तब से एक साथ ही चुनाव होते चले आए, बीच में ऐसी अव्यवस्था और व्यवस्था जो भी कुछ बनी उसके हिसाब से चीजें अलग अलग हुई, तो ये तमाम सारी चीजें हैं, इनके इसीलिए तो बैठक बुलाई है, इसमें जहां जहां समस्या, जहां जहां आपत्ति वो दर्ज कराई जाए। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आपसे। जी हाँ, तो एक देश एक चुनाव, और सवाल मेरा जैसा कि गौतम जी से था, गौतम जी अब कहाँ खतरा, कहाँ समस्या? बैठक बुलाई है सभी विपक्षी दलों की, सभी राजनीतिक दलों की, आप बैठक में जाइए, जो भी आपत्तियां हैं आपके जहन में उनको रखिए और एक सहमति बने, तो क्या इसमें दिक्कत, जब एक ऐसी कोई समुचित व्यवस्था लागू हो जाए तो? गौतम सुनील जी अभी आपने बुलाया, हम यहाँ आए हैं, फिर वहाँ बुलाया गया है, वहाँ जाएंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर हम आपसे सहमत नहीं हैं, आपके विचारों से हम असहमत हैं, तो आपको भी अधिकार है कि हमारे विचारों से आप असहमत हों। लेकिन प्रश्न ये है कि जो रचनात्मक सोच है वो क्या कहती है? जिस तरह से ये दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि इससे चुनाव का खर्चा बढ़ जाएगा, वो पूरी तरह से निर्मूल और निराधार है। आप अभी ये बताया गया कि करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक चुनाव कराने में पूरे देश का, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 7,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और 200 रुपए से लेकर के 300 करोड़ रुपए तक करीब विधानसभा पे खर्च आ जाएंगे। इसको अगर देखा, ये सत्ता परिवर्तन है, और वो परिवर्तन है जो पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तन करने पे, आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाने पे और सामाजिक परिवर्तन करने की दिशा में आगे बढ़ती है। और ये इसके लिए इतने छोटे से खर्चे का चिंता नहीं की जा सकती। गौतम जी, उससे माफ करिएगा, आपने रख दिया जब राजनीतिक पृष्ठभूमि की रचना हो जाती है ना, उसके साथ ही चुनावों में, रैलियों में 1,000 करोड़ रुपए जो खर्च होते हैं ना, वो भी इस देश का टैक्स पेयर का ही पैसा है, वो कहीं बाहर से विदेश से आया हुआ पैसा नहीं, वो भी इसी टैक्स पेयर का पैसा है, हर दूसरे महीने जो है शुरू हो जाता है चुनावी कैंपेन। सुनील जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी ये कहा गया कि एक देश एक टैक्स है,
आप आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं, आपके जरिए पूरे देश के सामने ये बात जा रही है। कोई सैलरी बेस्ड आदमी है, जब वो अपनी सैलरी लाता है वहां इनकम टैक्स दे के आता है, गाड़ी खरीदता है तो जीएसटी दे देता है, और गाड़ी खरीदने के बाद आता है तो आरटीओ में रोड टैक्स देता है, इसके बाद टोल टैक्स देता है, तो वन एक देश एक टैक्स कहां रह गया जरा बताइए जी, रह गया क्या एक देश एक टैक्स? ना वो इस देश जीएसटी एक देश की व्यवस्था और बाकी टैक्सों की व्यवस्था ये अलग अलग विषय है, इनको भी समझिए आप। आप इसमें सबको मत जोड़िए, जीएसटी में जो आपकी दिनचर्या से लेकर आपके सोने उठने बैठने जो खान पान से लेकर हर चीज की जो व्यवस्था है, जो प्रोडक्ट है, टोल का जो शुल्क है उसे आप उससे नहीं जोड़ सकते। सुनील जी, हम बिक्री इस बात को बेहतर समझते हैं, आप भी बेहतर आप भी समझने की कोशिश करिए। जब आपने कहा कि एक देश एक टैक्स, अगर सैलरी पेड आदमी है और उसने सैलरी लेते समय अपना टैक्स दे दिया है या साल भर में इकट्ठा जमा करता है, राणे जी फिर उसे टैक्स जमा करने की कहां जरूरत? मैंने सवाल पूछा, कुछ आप बता रहे हैं, कुछ मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ आ रही है। अभी तो आपके डिबेट में ये बात आया, चावल आए हैं, तर्क गढ़े, बुलावा आया है, उसके उसके तर्क गढ़े गए। हम इस बात को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यही बात आपके डिबेट में लाई गई और तर्क गढ़े गए। जिस तरह से एक देश एक टैक्स है, उसी तरह से एक देश एक इलेक्शन आना चाहिए। ये आप जो आंकड़े बता रहे थे वो उस समय आप भी जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो आपने पढ़ा है कि फॉल्स हीरो वर्शिप ने जन्म ले लिया, व्यक्ति पूजा ने जन्म ले लिया, और इसी तरह से व्यक्ति पूजा जो जन्म लेने की पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। आज आपके चैनल पे कर रहे वहां भी इस बात को हम रखेंगे और पूरे तर्कों के साथ रखेंगे, किसी भी कीमत पे संघीय ढांचा को टूटने नहीं दिया जाएगा। ठीक है श्रीवास्तव जी, गौतम नीजे साहब साफ शब्दों में कह दिया है कि हम तो भैया इस पक्ष में है ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो जाए। सबकी अपनी अपनी अपने अपने विचार हैं, उनके अपने विचार हैं, फिर कैसे मुमकिन हो पाएगा श्रीवास्तव जी? देखिए जो व्यापक देखिए तो व्यापक विमर्श की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों के अध्यक्षों को बुलाया है तो एक व्यापक विमर्श के लिए ही बुलाया है, सबकी सहमति के लिए ही बुलाया है, और सभी सांसदों को भी उन्होंने इस पर चर्चा के लिए बुलाया है। देखिए आज अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहते हैं और देश को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, ठीक है विसंगतियां जो बाबा हरदेव सिंह जी ने रखी या गोस्वामी जी ने रखी वो अपनी जगह पे ठीक है कि उसमें कुछ विसंगतियां भी हैं और उसका संवैधानिक हल कोई रास्ता उसका खोजा जाना होगा, बिल्कुल। लेकिन लेकिन अगर आप देखिए तो ये जो 2019 का चुनाव हुआ, जो जिन राजनीतिक दलों और जो प्रत्याशियों और इनको लेकर के जो अनुमान व्यक्त किया गया कि लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपया इस पे चुनाव पे खर्चे आए हैं, और जो प्रदेशों के चुनाव हुए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था तो उसके बाद भी तमाम एजेंसी ने ये गौतम जी के हिसाब से वो बहुत छोटी सी रकम है। ठीक है तो फिर वही होगा कि लंबा हो जाएगा मामला। बाबा हरदेव जी तो 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, विधानसभा चुनाव हो यहाँ तक चंदा से आपकी बात आ गई, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, पंचायत चुनाव हो जाए, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, तभी से राजनीतिक दल और बाकी सभी जो लोग हैं चुनावी कैंपेन में उतरते हैं, तैयारियां शुरू कर देते हैं। महज इस बात का मसला नहीं कि प्रशासनिक व्यवस्था कहां लगाई जाती है, वहां कितना पैसा उस व्यवस्था में खर्च होता है, वो ही नहीं राजनीतिक दलों की जो खर्चा होता है रैलियों से लेकर पूरे कैंपेन तक, उसका भी तो हिसाब इसी देश का है या वो किसी दूसरे मुल्क से आ रही है व्यवस्था? आपसे क्वेश्चन बाबा हरदेव जी। अच्छा हाँ देखिए जो अभी यहाँ विमर्श चल रहा है उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि हम क्षेत्रीय दलों की भूमिका को नकार नहीं सकते हैं और ये भी सोचकर नहीं चल सकते कि क्षेत्रीय दल पनपेंगे नहीं जी।
क्षेत्रीय दल जहां अपना अगर किसी प्रदेश में सरकार बनाते हैं तो चाहते हैं कि हम 5 साल तक अपनी शासन व्यवस्था चलाएं, लेकिन जो दल बदल वाला भी चलता है इससे अगर बीच में ही संख्या कम हुई तो सरकारें गिरती हैं। मान लीजिए 2 साल में सरकार गिर गई तो क्या जो हमने संविधान संशोधन करके 5 साल पर इलेक्शन कराने की का विधान बनाया, क्या हम 3 साल राष्ट्रपति शासन चलाते रहेंगे और उसे लोकतंत्रीय संघीय ढांचा नहीं गड़बड़ाएगा, लोकतंत्रीय व्यवस्था गड़बड़ाएगा का स्वरूप बदलेगा ना। इन्हीं सब पेचीदगियों को लिए तो बुलाया सभी राजनीतिक दलों को बैठक में। अभी तो सिर्फ बैठक हो रही है, अभी कोई प्रारूप तैयार थोड़ी नहीं हुआ, थोपा थोड़ी नहीं गया। अभी तो सिर्फ बैठक बुलाई है कि आप आइए अपनी विचार रखिए। एक देश एक चुनाव के पक्ष में मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ बाबा हरदेव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बड़ी लंबा समय आपका है, बड़ा अनुभव रहा, प्रशासनिक सेवा आपने दी है, मैं तो ये जानना चाह रहा था यह जो व्यवस्था अभी गौतम जी कह रहे हैं कि भैया बहुत छोटी सी रकम मामूली सी खर्च होती है, ये तो अलहदा विषय है, पैसा खर्च होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो खर्चा हो रहा है और जो इनका एक पक्ष है कि हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, और जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक खर्च ये जिसको जोड़कर ये कर रहे हैं, तो एक्चुअली खर्च एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी इलेक्शन में केवल जो सरकारी खर्च होता है वही खर्च नहीं होता, बल्कि उसके अतिरिक्त जो खर्च होते हैं रैलियों पर उनकी जो राशि है बहुत ज्यादा होती है। जो सरकारी खर्च होता है इसको कई गुना राशि बिल्कुल खर्च होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी उसी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जो वो खर्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जो रैलियां कराने में जो तंबू और ये सब लगते हैं, टेंट लगते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सी चीजें उनमें जो बहुत लोगों का रोजगार भी मिलता है, तो ये एक माने ये नहीं है कि हाँ खर्च बहुत ज्यादा हो जाए, तो खर्च तो ज्यादा हो रहा है, जितना कम होता जाए, अगर कम होगा खर्च तो हम बचे हुए खर्चे को जो सरकारी हम अब कहते हैं जो हमारा अपना खर्च होता है इसमें अगर बचत होती है तो निश्चित रूप से उसको हम अपनी व्यवस्था में योजनाओं में लगाएंगे तो उसका एक लाभ मिलेगा। कई सारे पहलू ये एक तमाम सारी पेचीदगियां हैं पक्ष में, ठीक है बाबा हरदेव जी, बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारे मसले भी हैं इस पूरे मामले को लेकर। गोस्वामी जी सवाल सिर्फ इस बात का नहीं कि 2 घंटे रैली में पहुंच जाओ, भैया जी की रैली हो रही है भीड़ दिखा दो, इस बात का नहीं, वहां टैक्स पेयर का पैसा है, हजारों हजार लोग जब पहुंचते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। यही व्यवस्था पूरे 5 साल अगर जारी रहती है तो क्या इससे संघीय ढांचा आर्थिक व्यवस्था कमजोर नहीं होती देश की? ये पैसा विकास में लगना चाहिए। निश्चित रूप से सुनील जी, ये मैंने पहले ही आपसे कहा कि एक देश एक चुनाव ये प्रक्रिया देश के विकास को भी गति देगी और ये उचित व्यवस्था है, इस और इससे पहले होती भी रही है, ऐसा नहीं है कि नया ईजाद किया गया है या नया प्रयोग किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ कई चुनाव ऐसे हो भी चुके हैं। जहाँ तक गौतम जी की ये बात कहने की है कि आर्थिक रूप से कोई नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज हो तो राष्ट्र या लोकतंत्र को बचाने के लिए धन महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, इस बात से तो मैं सहमत हो सकता हूँ, लेकिन खाली अगर उससे कहीं विधानसभा के और लोकसभा के एक साथ चुनाव हो जाते हैं, बस खाली जो बाबा हरदेव सिंह जी ने कही है जो विसंगतियां हैं और बैठक ही इसीलिए बुलाई गई कि वो वहां सुझाव रखें और उन सुझावों में अगर अमेंडमेंट की जरूरत है तो संविधान में संशोधन भी किया जाए, लेकिन ये व्यवस्था से न केवल खाली अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है बल्कि उसके साथ साथ जो पूरा देश इलेक्शन मूड में 5 साल रहता है कि आज यहाँ अभी ले लीजिए तीन राज्यों के इलेक्शन होने, अभी लोकसभा के होके चुके हैं, फिर उसके बाद साल भर के बाद होने, तो वो पूरे 5 साल हम इलेक्शन ही इलेक्शन कराते रहे, उससे ना तो राजनीतिक दल भी चाहे वो केंद्र के हों और चाहे राज्य के, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और उनका भी विकास कहीं रुकता है और उसमें उनका एंगेजमेंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रक्रिया कोई कहीं से किसी भी हद से बुरी नहीं है,
लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्षेत्रीय दलों के लिए जरूर ये थोड़ा सा एक कहीं राष्ट्रीय दलों के लिए तो ये सूटेबल है, उनको तो कहीं कोई आपत्ति संभवता नहीं होगी, लेकिन क्षेत्रीय दलों के लिए जो अभी बाबा ने कहा बिल्कुल सही कि वो अपने अस्तित्व को या जो सामाजिक परिवर्तन की बात है कि जो उनकी सोच है उस बारे में जरूर विचार हो सकता है। वो चीज जब ये अध्यक्ष लोग वहां जाके रखे हैं प्रधानमंत्री जी के सामने, उन सुझावों को लेके कोई ऐसा नहीं है कि 19 की बैठक के बाद ही लागू कर दिया जाएगा, वही उनकी आम सहमत से ही ये संभव है। बिल्कुल सर्वेश जी, आप लगातार सुन रहे हैं राजनीतिक मेहमानों को भी और हमारे विश्लेषकों को भी। यह व्यवस्था सिर्फ इसी बात पर नहीं निर्भर है कि 5 साल चुनाव के मोड में भारत रहता है, बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जो आज आजादी से लेकर 2019 तक का भारत झेल रहा है, देखा है हमने और रोज दिखाते भी हैं समाचार प्लस के माध्यम से। आज भी मूलभूत सुविधाएं देने में ये भारत और राज्यों की सरकारें, देश की सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। कहीं पानी के लिए त्राईमाम, कहीं बिजली के लिए परेशानी, ये सारी दिक्कतें नहीं समझ में आती क्या सर्वेश जी? सुनील, निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि देश के विकास के लिए, योजनाओं के लिए बहुत धन की आवश्यकता है और बहुत बड़ा एलोकेशन धन का करना पड़ेगा उनके लिए। पानी की समस्याएं हैं, विकास की हैं, सड़कें हैं, आवास हैं लोगों के और रोजगार है, उसके लिए जितना भी पैसा बचाया जा सके सरकार का वो उतना अच्छा होगा। और इसमें जो दूसरा जो एक पहलू है जी, वो बाबा जी उस पर अच्छा बता सकते हैं कि जब चुनाव होता है तो प्रशासनिक मशीनरी का जो उपयोग होता है वो बार बार प्रशासनिक मशीनरी, जिला प्रशासन चुनाव में ही व्यस्त रहता है, दो दो महीना चुनाव में व्यस्त रहता है। ऐसी स्थिति में जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत प्रभावित होती है। बिल्कुल, पता चला कि जब चुनाव हो रहा है तो थानों का सारा फोर्स चुनाव में चला गया और पूरा थाना एक एक होमगार्ड के भरोसे रहता है, अगर कोई आ जाए तो FIR लिखने वाला नहीं, कहीं अगर कुछ हो जाए तो कोई जाने वाला नहीं, गश्त बंद हो जाती है, सारे दरोगा सारे पूरी पुलिस चुनाव के प्रबंध में लगी रहती है, तो उससे जो दिक्कतें होती हैं पूरा यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है, तमाम तरह की जो प्रशासनिक मशीनरी की समस्याएं हैं वो भी बहुत गंभीर हैं। तो एक बार अगर चुनाव हो जाएगा तो कम से कम 5 साल के लिए निश्चिंता हो जाएगी। बिल्कुल, ये उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी अपना 5 साल के हिसाब से अपना काम करेगी और जनता को राहत देगी। अब जो समस्याएं हैं जिसे बाबा जी ने उठाई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, उस पर विचार करने के लिए विधि विशेषज्ञ और संविधान विशेषज्ञ बैठेंगे और सर्वदलीय बैठक में ये विचार भी आएंगे। इसको सबसे अच्छी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे थोपा नहीं जा रहा है जी, इसे विपक्ष कतई भी ये ना माने कि इसको उनके ऊपर थोप दिया, जैसा उन्होंने कहा व्यक्ति पूजा, व्यक्ति पूजा कहाँ है, वो कोई एक तरफा कोई कानून तो ले नहीं आया, एक तरफा कोई आदेश तो उन्होंने लागू कर नहीं दिया, उन्होंने विचार के लिए बुलाया है, आपको भी बुलाया है, सबको बुलाया है, सब अपना मत रखें, अगर सहमति होगी सर्वसम्मति होगी तभी इस पर आगे बढ़ा जाएगा। इस पर सभी दलों से सभी लोगों से विचार विमर्श चल रहा है और ये अगर आवश्यक होगा तो संविधान संशोधन उसके लिए किया जाएगा। बिल्कुल ये बात सही है कि इस पर जो क्षेत्रीय दल है उनकी चिंता स्वाभाविक है क्योंकि क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और जब एक साथ एक देश में चुनाव होगा, एक देश एक चुनाव होगा, तो हो सकता है क्षेत्रीय दलों के जो मुद्दे हैं जिन पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वो उस चुनावी गहमा गहमी में और चुनाव के प्रभाव में राष्ट्रीय मुद्दों के सामने उनके मुद्दे दब जाएं, तो इनको ये आशंका है कि हमारा भविष्य आगे क्या होगा, तो क्षेत्रीय दलों की चिंता भी स्वाभाविक है। तो अपनी बात रखें, उन्होंने तो सभी दलों को बुलाया है, सभी दलों के अध्यक्षों को बुलाया है, विचार विमर्श के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन ये विचार अच्छा है, इस पर कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए जी। बाबा हरदेव जी, सर्वेश जी ने कई बार इशारा किया कि आप बेहतर बता सकते हैं इस बात में, प्रशासनिक अमला पूरा चुनावी कैंपेन में ही लगा रहता है तो फिर कहां से व्यवस्था दे पाएगा? ये निश्चित ही है, देखिए प्रदेशों में जो चुनाव होते हैं, एक तो लोकसभा का चुनाव हो गया, आ रहा हूं गौतम जी, आ रहा हूं आपके पास, का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा का, फिर लोकल बॉडीज का हुआ, फिर पंचायत का चुनाव, तो लगभग लगातार चुनाव होते रहते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से एक चुनाव होने से बहुत फायदा है, प्रशासनिक दृष्टि जहां तक है, निश्चित ही इलेक्शन होने के बाद, एक बार इलेक्शन हो गया बाकी उसके बाद फिर
वो 5 साल तक अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। ये सही है कि जब इलेक्शन होता है तो सारी मशीनरी उसी में लग जाती है, हर दृष्टि से काम बंद हो जाता है, डेवलपमेंट के काम बंद रहते हैं, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने जितने दिनों तक चलता है इलेक्शन की शुरुआत जब डिक्लेयर होता है तब से लेकर और अंतिम समय तक सारी मशीनरी ठप हो जाती है। तो प्रशासनिक दृष्टि से तो एक वन नेशन वन इलेक्शन बहुत फायदेमंद है। जी बिल्कुल गौतम जी, उदाहरण आपके सामने, लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, नई नई सरकारें आईं, सरकारें शपथ ले पाईं, वो काम की प्रक्रिया को समझ पाए, उससे पहले आचार संहिता लागू हो गई, बोले फिर बैठो 2 महीने। सुनील जी, पहली बात गंभीरता से ये समझने की है, ये सत्ता परिवर्तन है, लोकतंत्र का सत्ता परिवर्तन है जी, और राजतंत्र का सत्ता परिवर्तन होता है तो तलवारों के दम पे चलता है, ये लोकतंत्र का सत्ता परिवर्तन है इसलिए चुनाव से होता है। दूसरी बात, हम इसीलिए बड़ी मैं हरीश जी का भी मतलब इस समय धन्यवाद करूंगा कि जो बात तो हम नहीं उठा पाए थे उसको उन्होंने उठाया। करीब 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ इस चुनाव में, 60,000 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ वो एक तरह से पैरेलल मनी थी, उसको ब्लैक मनी हम नहीं कह सकते, वो पैरेलल मनी खर्च की गई है। जब एक व्यक्ति को ये तय किया गया है कि 70 लाख से ऊपर नहीं खर्च कर सकता तो 60,000 करोड़ रुपया कैसे चुनाव खर्च हुआ, ये पैरेलल मनी है, हम इसको ब्लैक मनी नहीं कहेंगे क्योंकि देश की पूंजी है तो देश की पूंजी का अपमान नहीं कर सकते। इसीलिए जब बार बार चुनाव होंगे तो जो कैपिटलिस्ट बार बार इन्वॉल्व होते हैं चुनाव में वो कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, और जब कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे तो देश की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्वस्थ चलेगी और दुरुस्त चलेगी। इसलिए हम ये चाहते हैं, बार बार जब आपने देखा होगा कि चर्चा भी चली थी तो पहले 2 साल का कार्यकाल निर्धारित करने की बात की गई थी, क्योंकि जहां लोकतंत्र हमारे देश के लिए ये माना गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, लोकतंत्र को नहीं समझ पाते, तो जितनी जल्दी जल्दी चुनाव होगा उतना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर 6 साल की बात आई तो दोनों को काट करके 5 साल के लिए किया गया, और ये अगर एक बार किया जाएगा तो निश्चित तौर पर इससे फॉल्स हीरो वर्सी भी जन्म लेगी, और हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह से अलग अलग चुनाव होंगे, लोकसभा के अलग होंगे, विधानसभा के अलग होंगे, तो कैपिटलिस्ट प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से पूछिए कि 27,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने जो खर्च किया वो कहां पे है? मैं आज ये विषय तो लेके आया कि बड़ा धन बड़ी पूंजी खर्च होती है, लेकिन ये आंकड़े पर बहस नहीं कर रहा हूं। गौतम जी माफ करिएगा, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं मालिक। मैंने तो इतना पूछा कि आप इसके पक्षधर हैं या नहीं, अभी तो बुलाया है, फिर मैं कहूंगा पीले चावल भेजे अभी। देखिए सुनील जी, आपने जो चर्चा उठाई और ये बात यहाँ उठ के आई है, अगर हमारे साथी विद्वत साथी हरिश्चंद्र जी ने, विद्वान साथी हरिश्चंद्र जी ने ये बात उठाई तो ये बात चर्चा होनी चाहिए कि 27,000 करोड़ रुपया वो कहाँ से आया जिसको बीजेपी ने खर्च किया अपने चुनाव में। 27,000 करोड़ किसने बताया आपको? किसने बताया 27,000 करोड़ कहाँ से आ गया ये आंकड़ा, किसने बताया? गौतम जी ये कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, ये केवल कल्पना है कुछ लोगों की जो इसको प्रचारित कर रहे हैं। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि बीजेपी ने 27,000 करोड़ कल्पना के भवसागर में आप पक्ष में है नहीं है गौतम जी। ये इस तरह के किसी आंकड़े पर, किसी काल्पनिक आंकड़े पर चर्चा करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। आप चाहते हैं कि सब गोते लगाते रहे? नहीं नहीं, इस काल्पनिक आंकड़ों पर हम चर्चा नहीं करने के बैठे हैं। आप ये बताइए कि आप एक देश एक चुनाव, देखिए एक देश जी आप बताइए, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बताइए कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे में क्या कमियां आपको लगती हैं? नहीं है, लेकिन आप तर्क गढ़ेंगे, आप चाहते हैं कि तर्क गढ़े और जो सही बात है हम उसको न लेके आए। नहीं नहीं, सही बात लाइए, बिल्कुल लाइए सही बात, तो लेकिन ये काल्पनिक आंकड़ा है। 27,000 करोड़ कहीं नहीं है, किसी ने नहीं कहा 27,000। देखिए 27,000 करोड़ किसी ने नहीं कहा, ना भाजपा ने कहा, ना चुनाव आयोग ने कहा, किसी ने नहीं कहा, ये एक काल्पनिक आंकड़ा है।
और इस तरह के काल्पनिक आंकड़ों पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। आप एक देश एक हमने नहीं प्रस्तुत किया था, सर्वेश जी ध्यान से सुनिए, ये आंकड़ा हमने नहीं प्रस्तुत किया था, ये आंकड़ा हरिचंद जी नहीं, हरीश जी ने नहीं कहा, नहीं नहीं ये उन्होंने नहीं कहा, ये बात नहीं कही भाजपा के 27,000 करोड़ वाली बात उन्होंने नहीं कही। ठीक श्रीवास्तव जी, नहीं नहीं उन्होंने नहीं, गौतम जी, गौतम जी 7,000 करोड़ की बात, गौतम जी जी बता सुन, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि आप इसका पक्षधर हैं इसके या नहीं है? नहीं, मैं संविधान का पक्षधर हूँ और ये संविधान विरोधी, इसीलिए तो बुलाया है आपको कि आप जाइए, पहले संविधान के अनुरूप ही चीजें होंगी सब। नहीं नहीं, बैठक बुलाई है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, वहाँ अपनी बात रखेंगे, आपने सम्मान के साथ बुलाया था, हम भी आए हैं। बिल्कुल, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपको क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या समस्या इसमें दिखती है, हमने बताया ये संघीय ढांचा और लोकतंत्र के खिलाफ है और ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक श्रीवास्तव जी, जी संघीय ढांचा लोकतंत्र के खिलाफ ये तमाम सारी चीजें क्षेत्रीय दलों को चिंताएं सताने लगी हैं, अभी से अभी तो निमंत्रण ही भेजा आपने। नहीं, ये तो एकदम काल्पनिक बातें हैं और बस उसमें जो मुद्दे हैं वो मुद्दे जो आदरणीय हरदेव सिंह बाबा जी ने जो व्यक्त किया वो मुद्दे अवश्य हैं कि मान लीजिए किसी कोई विधानसभा बीच में भंग होती है, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभाएं हो, अगर जी। कोई एक प्रश्न है तो वो है, बाकी तो ये नेशन के लिए सबसे लाभकारी सिद्ध होगा अगर ऐसा सबको सारे दलों इसको स्वीकारता अपनी देते हैं जी। तो ये देश के भी हित में होगा और देश के विकास के हित में होगा जी। और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के भी हक में होगा। ठीक गोस्वामी जी, लंबा अनुभव रहा आपका पत्रकारिता का, भारतवर्ष की राजनीति को समझा आपने, बाकी उन मुल्कों के बारे में भी समझा जो एक देश एक चुनाव करा रहे हैं, उनको देखिए आज। देखिए सुनील जी, वहां देखा आपने किसी को लोटा लेकर एक दूसरे का सर फोड़ते हुए एक एक बूंद पानी के लिए? नहीं नहीं सुनील जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, विकास की दृष्टि से हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बोझ पड़ता है और बड़ा बोझ पड़ता है। ये तो जो सर जो नंबर एक का है, नंबर दो का जो श्रीवास्तव जी ने कहा है वो मैं उस बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो दो नंबर का पैसा चुनाव में कितना टिकट, मतलब एक टिकट लेने के लिए 20 करोड़ रुपया, ये क्या नंबर एक का आता है? यह जो जिस ढंग से एक चुनाव जो है आजकल लड़ना कोई आसान काम है, तो ये सारी जो अर्थव्यवस्था कहीं ना ये देश की ही तो अर्थ देश से ही तो जुड़ा हुआ है, वहीं से तो पैसा निकल के जाता है, ये बात सही है। लेकिन ये जो क्षेत्रीय दलों की आशंकाएं हैं, गौतम जी की ये जो आशंकाएं हैं उनका समाधान होना चाहिए, लेकिन ये संविधान विरोधी है, ये मैं कतई माने को इसका संविधान अगर ये था तो इसके मतलब ये जो चुनाव हुए थे वो सब असंवैधानिक थे, जो पिछले 60 के दशक तक चुनाव हुए, ये मैं मानने को तैयार तो नहीं हूँ। हाँ, इस बात से मैं गौतम जी की सहमत हूँ कि इनकी जो भी ऐसी आशंकाएं हों या जहां वो समझते हो कि नहीं, लेकिन इस बात पर असहमति जताने की कोई बात समझ में नहीं आती है कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, उसमें क्या चीजें जो आप समझते हैं कि आपत्तिजनक है या क्या चीजें ऐसी हैं कि जिनमें सुधार की जरूरत है, वो संविधान में अगर संशोधन की जरूरत है तो उस जरिए किया जाए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बात हमारे नहीं समझते। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है और इससे न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि और बहुत सी चीजें, जैसा सर्वेश जी ने अभी कहा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी मशीनरी उसमें जुट जाती है, धारा 144 लागू होते ही आचार संहिता लगते ही सब कुछ बंद, स्कूल के टीचर वगैरह हांक दिए जाते हैं, शिक्षा संस्थान बंद हो जाते हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम है। मैं समझता हूँ कि इससे ये एक अच्छा कदम है और स्वागत योग्य। हाँ, उसमें जो खामियां हैं जो विपक्षी दलों को क्षेत्रीय दलों को लगता है उनको वो रखें और अगर उसको संशोधन करा लें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और वो एक अच्छी बात है। बिल्कुल, अभी जो जिन राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, जब जब कोई मसला आया कानून व्यवस्था का या विकास को लेकर, वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मंत्री पद पर काबिज हैं, उन्होंने सीधा सीधा बोला, भैया काम करने का अवसर कहां मिला,
बोले जैसे तो शपथ ली उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई, अब करेंगे हम, तो 6 महीने तो ऐसे ही निकाल दिए इसी बात को लेकर। ये एक बड़ी समस्या है, इस पर भी गौर फरमाना होगा। 6-6 महीने अगर ऐसे आप घर बैठे निकाल देंगे तो फिर कैसे देश का विकास होगा। बहुत संक्षेप में बाबा हरदेव जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। यह व्यवस्था संघीय ढांचे के साथ, संविधान के साथ अगर देश के लिए लागू होती है तो भारत के मुस्तकबिल के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है, बहुत संक्षेप में। देखिए, एक देश एक चुनाव ये बहुत अच्छी अवधारणा है। विसंगतियां दूर कर लिया जाए और एक राय बन जाए, और एक राय बनने के बाद अगर ये व्यवस्था हो जाती है एक देश एक चुनाव, उससे प्रशासनिक ढांचा भी हमारा बढ़िया काम करता रहेगा जी। और अन्य व्यवस्थाएं, लोकतंत्रीय व्यवस्था जो हमारी है वो व्यवस्था सुदृढ़ रहनी चाहिए। संघीय ढांचा यहाँ का नहीं बिगड़ने जा रहा है, लेकिन लोकतंत्रीय व्यवस्था हमारी बरकरार रहे तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक देश एक चुनाव। बिल्कुल। सर्वे जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए सुनील जी, बाबा जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही है, और ये सबसे अच्छी व्यवस्था होगी अगर ये लागू होती है। और इसके कुछ जो पहलू हैं उन पर समाधान निकाल लेना चाहिए। उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जब चुनाव एक साथ होंगे तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं और राष्ट्रीय मुद्दे अलग अलग होते हैं, तो मुद्दे कहीं ऐसा ना हो कि क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएं, इसका भी ये समाधान निकाल लेना पड़ेगा चुनाव में। क्योंकि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है, विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है, क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय मुद्दा इतना प्रभावी हो जाए कि राज्यों के मुद्दे उसमें दब जाएं, इसका भी समाधान निकाल लेना पड़ेगा। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक देश एक चुनाव को लेकर अभी सिर्फ बुलावा गया है कि आप आइए, अपनी अपनी राय रखिए। अगर ऐसा होता है एक देश एक चुनाव, इससे बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है। भारत की आजादी से लेकर जब प्रथम चुनाव हुआ, और कई सारे चुनाव ऐसे हुए जब एक देश एक चुनाव को हिंदुस्तान ने देखा और सभी ने उसको चुना, वो भी लोकतंत्र की खूबसूरती थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसे स्थितियां बनी कि अब पूरा मुल्क हर 2 महीने बाद चुनावी मोड में रहता है, इससे हर कोई प्रभावित होता है। राजनीतिक दलों की अपनी अपनी चिंताएं होंगी, लेकिन देश का जनमानस भी इससे बहुत परेशान रहता है। हर तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, और एक बड़ी वजह यह भी है, चाहे वो विकास को लेकर हो, कानून के मुद्दे को लेकर हो, वो अकेले उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं, वो देश भर के राज्यों की समस्या है। इनको सोचना होगा, सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को जाकर इस पर अपनी सहमति, अपने अपने विचार, अपने अपने हिसाब से, संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से देनी होगी, ताकि ये देश बाकी देशों से भी आगे बढ़े, तरक्की करे। बिग बुलेटिन में इतना।